स्कीम का लाभ ले सकते हैं? थ्री एन रैंडम हॉनरेबल स्पीकर सर, रिगार्डिंग पीएलए स्कीम फॉर ऑटो सेक्टर, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द कंट्री इन जनरल एंड इन पर्टिकुलर माय स्टेट आंध्र प्रदेश सर? अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी एक बार कहा है, ये स्कीम पूरे देश में एक समान लागू है, इसलिए आंध्र प्रदेश कहीं नहीं, वो भी हमारे देश का हिस्सा है। और जब विदेशी निवेश जो अभी थाईलैंड और दक्षिण पूर्वी एशिया, वियतनाम जैसे देशों में आ रहा है, आदरणीय मोदी जी की सरकार की यह मंशा है कि जो निवेश उन्नत तकनीक के माध्यम से दूसरे देशों में जा रहा है वो भारत में आए, और यही मंशा हमारे प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की, हमारे विभाग की है। और जब निवेश यहां पर आएगा उससे जो वाहन अभी जो इंपोर्ट होते हैं वो भी महंगे हमको मिलते हैं, उसके बाद वो वाहन भी सस्ते होंगे, निवेश आएगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, और जहां जहां ये कारखाने लगाएंगे वहां रोजगार के साधन निश्चित तौर पर उपलब्ध होंगे और वहां के लोगों को सस्ते वाहन उपलब्ध होंगे। तो स्पीकर साहब, सर ठीक है, मंत्री जी ने जवाब